भारतीय जनता महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने आज अग्रसेन चौक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच आग लगे पुतले को लेकर छीना झपटी भी हुई, लेकिन पुलिस ने किसी तरह से अधजले पुतले को अपने कब्जे में ले लिया। दरअसल प्रदेश की नारियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारतीय जनता महिला मोर्चा ने रैली निकाल अपना विरोध दर्ज कराने अग्रसेन चौक पर मुख्यमंत्री के पुतले के साथ पहुंची थी, लेकिन जैसे ही पुलिस को इसकी भनक लगी, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच पुतले को लेकर छीना झपटी होने लगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार महिलाओं पर जुल्म कर रही है। जहां प्रदेश में महिलाएं घर के चार दीवारी के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, वहीं भूपेश को बालू बेचने से फुर्सत नहीं है। सूरतपुर से विष्णु कसेरा की रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम है उसके बारे में बताएं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का पुतला दहन किए, और ये पुतला दहन महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न, दिन ब दिन आए दिन अत्याचार हो रहे महिलाओं के साथ इस छत्तीसगढ़ की सरकार में, भूपेश सरकार की सरकार में। जब से भूपेश सरकार आई है तब से महिलाओं के साथ उत्पीड़न की प्रतिशत बढ़ गई है, इसलिए आज ये सीएम साहब का पुतला दहन किया गया है। आगे अगर यही हाल रहा तो हम महिलाएँ, महिला मोर्चा की टीम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी, और आप सभी को मैं बता दूं कि अगर यही हाल रहा तो छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में हम महिला मोर्चा ही इस छत्तीसगढ़ भूपेश की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगी।